देखिए प्रभातकालीन बेला है, सुबह का वक्त है, कवित के माध्यम से कवि बता रहे हैं बेटा भूपेश कैसे। छिपे नभ में सब लुप्त भय तारे कुकट भाग दई जब ही पक्षी गण मिले पनराग कि उषा जागी तम दूर भयो पूरब दिश में रवि किरण पसारे भोर भयो त्रग खोल लला यो मात यशोदा ने बचन। तो देखिए सुबह का वक्त है, कैसे बेटा भूपेश क्या बताया है। रजनी गई है आयो भोर और पोने पपिया का गामोर अपने तन का मन का होश और जे भूल गई ब्रजपाल की और कहा करू कित जाऊ बसुरिया पतिया नंद के लाल की। रजनी गई है आयो है भोर पोने पपिया का गामोर अपने तन का मन का होश भूल गई ब्रजबाल की जाऊ क्या करू बसुरिया बजिए नंद के लाल की जाऊ क्या करू बसुरिया बजिए नंद के लाल। हेलो 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 देखिए प्रभातकालीन समय, महाभारत का समय नहीं है, प्रसंग रामायण से होगा और उस समय का है कि महाराजा दशरथ अपने भवन में बैठे हुए विचार कर रहे हैं कि मैं छत्री हूं, शिकार खेलने के लिए जाना है, ऐसी उनके मन में छाई। क्या बात बेटा, अवधपुरी भूपाल ने मन में किया विचार और सरयू तट पर जाए के मैं खेलूं आज। सज्जनों महाराजा दशरथ बेटा भूपेश किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं जाने की, क्या बात बेटा। अरे लिए तिलक मान उठाई अब लिए तिलक मान उठाई और चल दियो है भूप बल वो मैं पल की सो तेरा लगाई। क्या बात है छोरा, अब नहीं पल की सो तेरा लगाई और सरयू तट और सरयू लिए तीरक मान उठाई चल दियो भूप।
सज्जनों क्या हुआ, उधर महाराजा दशरथ, हाँ प्रेमीर भाई साहब, उधर महाराजा दशरथ शिकार की प्रतीक्षा में सरयू नदी के किनारे पर बैठे हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिताओं को तीर्थ के लिए ले जा रहा था, रास्ते में कहीं ठहर जाते हैं, उन्हें प्यास लगती है, निवेदन किया बेटा पानी के लिए आग्रह किया, क्या हुआ भैया? हमें भारी लग रही प्यास बेटा नीरा भारी ला। साहब निवेदन किया लेकिन उसने स्वीकार किया अपनी माता पिता की आज्ञा को, सिरोधार करके जल के पात्र को लेकर जा रहा है। किस तरीके से बैठा हुआ अरे सुता भाना पति को जाय हो को जायो के पहुंचो नदिया के पार, पहुंचो नदिया के पार, मेरा लोटा जल मेरे टुबकायो, वो लोटा चल मेरे टुबकायो, भर रहो हीरा संभार, हो भर रहो हीरा संभार, हेरा चला सब तो सुनो नप ज्ञानी। राजा दशरथ ने सोचा कि कोई जंगली जानवर पानी पीने के लिए आया है, क्या कर रहे हैं भैया? हेरा चला साहब तो सुनो नप ज्ञानी, जानी कोई शिकार, हो जानी कोई शिकार, हेरा नपा सब तो पेतने हैं अपने लिए धनुबाण संभार, लिए धनुबाण संभार। हाँ साहब, महाशय जी इनके चार मिनट शेष हैं और इनके बाद सचिन जट्टारी, सचिन जट्टारी तैयार रहे भैया। देखिए बंधुओं, श्रवण कुमार जैसे ही जल के पात्र को जल में डुबोया, महाराजा दशरथ शब्द वेदी थे, सोचा कि कोई जंगली जानवर पानी पीने आया है, कैसे क्या हुआ भैया?
जप शब्द रीत से दिया और बाण चलाई। ए जी जाय लगो कुमर के हृदय गयो है समा। या के मुख से निकली हाय और क्या रची विधाता और मेरे प्यासे रह गए आज पिता और माता बड़ा और मेरे प्यासे रह गए आज पिता और माता। सज्जनों बाण मार दिया एकदम हाई की आवाज निकली। महाराज दशरथ ने सोचा कि कोई जंगली जानवर नहीं था ये, कोई व्यक्ति मेरे हाथ से मारा गया। उसके पास पहुंचने लगे, क्या हुआ भैया? अरे भूप को काप गयो ही हो, भूप को काप गयो ही हो। कुमार को जवाब नहीं दियो, कुमार को जवाब नहीं दियो। बड़ा धन्य तेरी लीला गिरधारी, धन्य तेरी जल थल अग्नि बीच प्रभु तू है। कण कण में तेरी खुशबू है, जल थल अग्नि बीच प्रभु तू है। कण कण में तेरी खुशबू है, तू सबको है रखवारी। सो पाठा दिशा सासा नीली दादा पापा मामा गागा रे रे सासा नीला गिल धारी। धन्य होए धन्य तेरी लीला गिर धारी, तेरो घातक करूं बखान बताया सुधा के ओतारी, तेरो घातक करूं बखान। सज्जनों जैसे ही देखा जवाब नहीं दिया, दशरथ ने पूछा कि बेटा क्या हो गया है? तो उसने कहा कि मामा तुमने मेरा अंत कर दिया, लेकिन मरने वाले की आरजू स्वीकार करते जाना। क्या जवाब दिया भैया? अरे मामा जी मेरे मरने के बाद। क्या कह रहा भैया श्रवण कुमार? अरे मामा जी मेरे मरने के बाद और इतना कष्ट उठा देना, मामा जी मेरे मरने के बाद। मामा जी मेरे मरने के बाद इतना कष्ट उठा देना, मामा जी मेरे मरने। अंधे मात पिता है मेरे, क्या बात सोरा? अंधे मात पिता